Hello dear students, very good morning. Today I am going to teach you about standard 3rd subject English grammar and the chapter name is alphabetical order. Alphabetical orders or ABC order is the order in which we are arranged according to the letters of the alphabet. Alphabetical order means जो हम ABC सीखते हैं alphabets उसके order में arrange करना alphabet के हिसाब से उसे हम alphabetical order कहेंगे. यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे words names दिए गए हैं नीता प्रिया जैन सलमा हरप्रीत एंड फ्रैनी. तो हम अल्फाबेटिकल के हिसाब से उसको अरेंज करेंगे. फर्स्ट आता है ए, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए से शुरू होता हुआ कोई भी वर्ड नहीं है. देन बी, बी से भी नहीं है, सी से भी नहीं है, डी से भी नहीं है, ई से भी नहीं है, और देखते हैं कि एफ से है. एफ से शुरू होता हुआ वर्ड है फ्रैनी, तो हमने यहाँ पे ले फर्स्ट लिखा फ्रैनी. फिर एफ के बाद जी आता है, तो जी से भी नहीं है, एच से है, एच से है हरप्रीत, तो हमने यहाँ पे हरप्रीत लिखा. फिर है एच, फिर आई, फिर जे, तो जे से शुरू होता वर्ड है जैन, तो हमने लिखा. देन नहीं है जे, के से भी नहीं है, एल से नहीं है, एम से नहीं है, एन एन वाला वर्ड है स्टार्टिंग विथ एन, नीता, तो वो हमने मेंशन किया है यहाँ पे. देन एन के बाद हम अल्फाबेट्स हमारे पूरे रिकॉल करेंगे. ओ पी, तो पी से वर्ड शुरू होता हुआ है यहाँ पे प्रिया. देन क्यू, क्यू वाला कोई भी नहीं है, आर, आर वाला भी नहीं है, एस, एस वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सलमा. इफ यू आर गिवन टू और मोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम लेटर देन यू मस्ट लुक एट द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड्स एंड देन अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हमें अगर फर्स्ट लेटर सेम वाले सभी वर्ड दिए गए हों तो हम जाएंगे उसके नेक्स्ट लेटर पे. तो उसमें नेक्स्ट लेटर कौन सा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से उस हिसाब से हम उसे अरेंज करेंगे. तो देखते हैं वो वाले एग्जांपल. नेम्स है सुनील, श्याम, सोहन, सलीम एंड स्टेनी. तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर सभी में सेम है, एस है, तो हम जाएंगे दूसरे लेटर पे. सुनील में यू है पहले, फिर H है, O है, A है एंड T है. तो हम सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A होता है, तो A जो है S के बाद वो वाला वर्ड हम पहले लेंगे, यानी कि सलीम, सलीम आएगा. उसके बाद B वाला भी कोई नहीं है, C वाला नहीं है, D वाला नहीं है, E वाला नहीं है, F वाला नहीं है, H वाला है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे श्याम. देन डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे अल्फाबेट हम उसे रिकॉल करेंगे एच के बाद आई जे के एल एम एन, फिर ओ वाला है, तो हमने यहाँ पे लिखा सोहन. सी क्यू आर एस टी, तो टी वाला है स्टेनी, और है दूसरे लेटर लास्ट में है बचा हुआ यू वाला, तो सुनील हम लिखेंगे. तो दिस इज हाउ द वर्ड्स अरेंज इन डिक्शनरी और टू अ टेलीफोन डायरेक्टरी. तो इस हिसाब से हमारे डिक्शनरी और टेलीफोन डायरेक्टरी में सभी नेम अरेंज होते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज. दीज एनिमल्स हैव टू एंटर द जू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हेल्प देम टू डू सो बाय राइटिंग देयर नेम्स करेक्टली इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ पे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, तो हमें उनको जू में एंट्री दिलाने के लिए उनके नेम अल्फाबेटिकल वे में अरेंज करने हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन होगा बियर, चीता, कोबरा, डियर, एलिफेंट, फॉक्स, जिराफ, गोरिला, हिपोपोटेमस, हाइना, जैकल, कंगारू, लेपर्ड, लायन. यहाँ पे एल वाले दो वर्ड है, आप देख सकते हैं लेपर्ड एंड लायन, तो ये उसके दूसरे वाले वर्ड में जो ई है और इसमें आय है, तो ई आता है आई से पहले, तो यहाँ पे लेपर्ड हमने लिया, फिर लिया लायन, देन मंकी, पाइथन, राइनासोर्स, टाइगर, वुल्फ एंड ज़ेब्रा. तो बच्चों इस हिसाब से अगर हम फर्स्ट लेटर सेम है तो दूसरे लेटर को देख के हमें अरेंज करना है. यहाँ चीता और कोबरा में भी ऐसे है कि सी के बाद एच है और यहाँ पे सी के बाद ओ है, तो ऑब्वियसली ओ से पहले एच आता है, तो हमने चीता पहले लिखा. तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है. वॉच दिस वीडियो केयरफुली. थैंक यू वेरी मच.